तीन बार तलाक होने से डिप्रेशन में राहुल महाजन। रशियन बीवी से अलग होने के बाद अब ले रहे हैं थेरेपी का सहारा। तीनों तलाक में बीवियों को नहीं दी एक फूटी कोड़ी। तो अब चाहिए ऐसी बीवी जो ना चाहती हो बच्चा। जी हाँ, बिग बॉस फेम राहुल महाजन भले ही अपने काम को लेकर चर्चा में ना रहते हो, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वो जरूर सुर्खियों में छाए रहते हैं। भाई आखिर तीन तीन बार शादी करने वाले राहुल को एक बार भी शादीशुदा जिंदगी की खुशी जो नहीं मिल पाई। कुछ वक्त पहले ही राहुल की तीसरी शादी भी टूट गई और विदेशी हसीना नतालिया संग उनका तलाक हो गया। राहुल महाजन का तीसरी बार डिवोर्स होने के बाद मीडिया में तमाम तरह की खबरें आईं। वहीं अब अपने और नतालिया के तलाक को लेकर राहुल ने चुप्पी तोड़ी है। राहुल ने अपने हालिया इंटरव्यू में तलाक के पीछे की वजह का खुलासा किया है। बातचीत में राहुल से सवाल किया गया कि क्या उनका तलाक बच्चे की वजह से हुआ है, तब राहुल कहते हैं कि ये कुछ ऐसा है जैसे मेरी जिंदगी में एक बड़ा भूकंप आया हो। झटके अभी भी कहीं कहीं है, दर्द तो बहुत है, लेकिन जीवन चलता रहता है। आपके पास मजबूत होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इस समय इमोशनली प्रेजेंट नहीं हूँ। मैं पहले से ठीक हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं। मैंने हाल ही में डॉक्टर की मदद ली है। मुझे ठीक होना है, तभी मैं किसी से जाकर बात कर सकूँगा, किसी से मिल सकूँगा। लेकिन ये तय है कि मैं अब प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं डर गया हूँ। मैं अपने थेरेपिस्ट के जरिए उस डर पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ठीक होने की जरूरत है, अभी मैं फिट नहीं हूँ। मैं इस रिश्ते में बच्चा नहीं चाहता था। हमने कभी कोशिश नहीं की, केवल डिम्पी के साथ मैंने बच्चे की प्लानिंग की थी, लेकिन मिस कैरेज के चलते वो नहीं हो सका। नतालिया और मैंने कभी भी बच्चे की प्लानिंग नहीं की थी। मैं 48 का हो चुका हूँ, अब बच्चा नहीं चाहता। अपने इस इंटरव्यू में राहुल ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उनके मन में अभी भी नतालिया के लिए प्यार और सम्मान है। भले ही उनका रिश्ता टूट गया, लेकिन अभी भी उनका प्यार जिंदा है। साथ ही राहुल ने नतालिया से पहले अपने पिछले दो तलाक का भी जिक्र किया। राहुल का कहना था कि उनके तीनों तलाक म्यूचुअल थे। साथ ही उन्होंने अपने किसी भी तलाक में एलिमनी के तौर पर एक रुपया भी नहीं दिया है। आपको बता दें कि राहुल ने साल 2018 में नतालिया से शादी रचाई थी। जब दोनों की शादी हुई थी, उस समय राहुल 43 साल के थे, जबकि नतालिया की उम्र 25 साल थी। वहीं नतालिया से पहले राहुल महाजन की दो शादी भी टूट चुकी थी। राहुल ने पहली शादी 2006 में श्वेता सिंह से की थी, लेकिन शादी के अगले ही साल 2007 में दोनों ने तलाक का केस फाइल कर दिया था। श्वेता ने राहुल पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, जिसके बाद साल 2008 में दोनों का तलाक हो गया था। श्वेता से तलाक के बाद साल 2010 में टीवी रियलिटी शो राहुल का स्वयंवर की शुरुआत हुई और उन्होंने इस शो के जरिए नेशनल टीवी पर डिम्पी गांगुली से शादी की। लेकिन कुछ वक्त बाद ही डिम्पी ने भी राहुल पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया। वहीं श्वेता सिंह और डिम्पी गांगुली से तलाक के बाद राहुल की जिंदगी में नतालिया एलेना की एंट्री हुई थी और अब राहुल की तीसरी शादी भी टूट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।